मुझे उनकी रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी लगती है पॉजिटिव है बड़ा उसको इंकरेज करते हैं उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं उसको हमेशा माँ समझती माँ नहीं समझती, मां नहीं समझती। <laughs> लेकिन उसको डिसिप्लिन नहीं करते हैं कभी भी तो यू फील के जरूरी है कि Actually, अगर दोस्तों वो तो बच्ची नहीं जो है ना वो तना रही है okay. बाप के बगैर रही है hmm. तो उसके अंदर एक लस्ट है कि लोग हों हंसे बोले वो वो करेक्टर है उसका का तो वो अपनी जगह ठीक है

का hmm. वो बिल्कुल सॉफ्ट तो जाफर साहब क्या हैं अच्छे सा अच्छे हैं बहुत परफेक्ट हस्बैंड हैं कि उन्होंने जाफर साहब भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं अच्छा हाँ बट अब तो वो इंश्योरेंस बेच रहे हैं वो छोड़ दिया उसने डॉक्टरी ओके oh, okay. और okay. वो इंश्योरेंस एजेंट है अच्छे okay. खासे वो है और दूसरा अभी उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो इज इन

चाहे शहरोज के माँ बाप चाहे किसी के भी माँ बाप हो माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हम आम लाइफ में भी तो जाफर का भी यही है कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ रहना शुरू हो जाऊं है नहीं। मैं माँ की क्यों ना तीमारदारी करूं क्यों ना जन्नत भाई हम मुसलमान हैं हम तो इसी तरह सोचते हैं जाफर भी मुसलमान है <laughs> चाहे उसका नाम मीर जाफर हो तो उसने उस वक्त अच्छा जिस पहले दिन जब डॉक्टर रजिया आई हैं राजिया, ससुराल, उसने हंगामा मचा दिया कि मैं रह नहीं सकती ओके। और मैं जा रही हूँ तो एक आध साल में बच्ची पैदा हो चुकी थी वो शी लेफ्ट हाउस वो अकेली रह रही थी तो मीर जाफर ने स्टैंड लिया कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा भाई तो माँ को लेके उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते ये नहीं पॉसिबल क्यों माँ को लेके क्यों शिफ्ट हो जाऊँ माँ को मैं नीचा कर दो माँ को नीचा तो no, नहीं no, करेंगे no, 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 चला no. रहे होंगे नो 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 अच्छा अगर आप कहेंगे कि ये हो तो माँ को ये गलत है, हो जाएगा माँ माँ है भाई उसका रुतबा अलग है ओके okay. बीवी से बहुत बड़ा रुतबा है माँ का विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं नहीं हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं है ना uh -huh. और बीवी का अपने जगह जो उसकी है सर आंखों पर लेकिन माँ को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना बीवी की वजह से दिस बिल्कुल मां को नहीं छोड़ सकते बीपी से ये तो कोई क्वेश्चन तो है ये तो कोई बात ही नहीं है अनलेस के कोई बहुत एक्सट्रीम ज्यादती हो रही हो या कुछ तो वही वही कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों का डॉक्टर राजिया का और जाफर का लेकिन मुझे ये क्यों लगता है

वापस जब हार्ट का ऑपरेशन करके वापस आते हैं उनका हार्ट ओपन होता है। तो वहां वो रियलाइज करता है उनको करता है। हाँ। कि गलती मेरी थी। भी भी इतनी बुरी जिंदगी गुजारने से बेहतर तो दिस इज इंपॉर्टेंट वाई नॉट है इंसान है ना सारा मसला अना नह का है वाइटमिन आई अगर इसको मिना कर दिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है तो जाफर ने भी अनाथ थोड़ी सी दिखाई थी ज़ाफर ने दिखाई माँ के हवाले से और उसने दिखाई खानदान के हवाले से तो दोनों अलग अलग हो गए और दोनों रिगरेट पे हैं ऐसा है ना राजिया का तो अभी हमें मतलब जब तक आगे जाके उनका भी नजर आएगा ठीक हो दोबारा अच्छा ये बताएं कि वो कहते हैं कि मोहब्बत है इसीलिए हमने छोड़ा नहीं एक दूसरे को अभी तक लेकिन मैं ये सोच रही थी देखिए इतने सालों से वो एक दूसरे से अलहेदा रह रहे हैं क्या बेहतर नहीं होता कि छोड़ देते शायद कोई और जिंदगी में मिल जाता दोनों को और अच्छी जिंदगी गुजार लेते वो जो कड़ी थी ना छोड़ने की वो तारा थी तो डाइवोर्स पेरेंट्स भी तो रहते हैं ना अभी तो नहीं रह रहे लेकिन फिर कहानी अलग हो जाती है डाइवोर्स के बाद आपके पास मार्जिन होता है आप दूसरी शादी कर लें दोनों के पास होता है Okay. मैं बात कर रहा हूँ okay, okay. मेरा मेरा ये नहीं नहीं सही है ये पॉइंट नहीं आपने अच्छा पॉइंट निकाला है ये नहीं कड़ी है ओके okay. hmm. तारा उस बच्ची ने दोनों माँ बाप को जोड़ के रखा एंड इन दी एंड वो दोबारा एक हो गए hmm. ड्रामा है ना भाई <laughs> 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 नहीं सही कह रहे हैं आप बिल्कुल मैं मैं यही समझता हूँ हाँ. अच्छा वो उसको Joint family की तो तो बताते हैं हैं। तारा को, hmm. but realistically देखें तो positive, negative दोनों होते वो yeah. तो कभी उसको उसके बारे चलना हो अपने relationships को. मैं, आपने देखा नहीं तो है hmm. मैंने उसको बोला अगर बेटा किसी से अपनी बात मनवानी हो ना एग्जैक्टली exactly, लेकिन वो पहले in... पहले उसकी hmm. बात माननी पड़ती है ये तो वायरल हुए मेरे सारे क्लिप लेकिन वो यही So, मेरा मतलब ये था कि वो उसको पॉजिटिव ही बता रहे हैं और उसको यही बता रहे हैं कि तो संभालना ही है और सब करना है बट थोड़ा सा ये नहीं बता रहे कि हाँ अपना भी थोड़ा सा रखना थी अच्छा, मेरी गलती है अब आपने कहा तो मुझे ये लाइन याद आ गई एक्सपेक्ट करी थी थोड़ा सा वो उसको ना रियलिस्टिक अप्रोच बताते हैं क्योंकि अभी तो वो सिर्फ उसको जॉइंट फैमिली पॉजिटिव्स ही बताते हैं और उसको पुश कर रहे होते हैं कि हाँ रहो मिल के रहो क्योंकि उनका भी अपना एक बैकग्राउंड आया है जिसकी वजह से अब नो कमेंट्स नो कमेंट्स बेकार में फिर लेकिन देखिए डायरेक्टर मेरा बहुत मनपसंद डायरेक्टर है दिल में है दानिश मेरे बच्चों की तरह आयजा क्या बात है hmm. ऐसी बच्ची होनी चाहिए यार अल्लाह इसको सलामत रख दानिश तैमूर क्या बात है? ऐसा शोर होना चाहिए सबका और हीरो तो है बाकी रेहान है अदनान है, आ, है। सबा है।, है और बच्चे काम बच्चे, कर रहे हैं आशिर हैं हुँ। सारे हैं इसमें बड़ी कास्ट है बड़ी बहुत बड़ी कास्ट तो सबका है हिस्सा कोई सबने काम अपने हिसाब से जो काम उसे दिया गया है जिस कैरेक्टर को वो वो ही कर रहे हैं जबरदस्त बात यही है बीइंग एन प्रोफेशनल एक्टर लेकिन वो जब स्क्रीन पे आता है तो वो जरा सा लाउड हो जाता है असल में देखिए जो तनाइया या अनकही या जो मैं अपने हवाले से वो रियलिस्टिक कॉमेडी थी कबाचा था ऐसा ही यार इसमें कोई किसी को कसूर नहीं है या। ऐसा ही है ना इसीलिए एंजॉय करते थे ना लोग गो के कबाचा का कैरेक्टर लाउड था और कबाचा फेक नहीं लगता था हमारे यहाँ क्या मसला है हमारे यहाँ जो होते हैं सिटकॉम्स का मतलब है सिचुएशनल कॉमेडी पांच कैरेक्टर सिटकॉम में हुँ। अच्छा हर आर्टिस्ट चाह रहा है मेरे पे लाफ्ट है हर आदमी कॉमेडी कर रहा है अरे भाई जो सिचुएशन लिखी है उस पर सी आएगी तो भैया क्या हुआ हमारे यहाँ कॉमेडी का ये हाल क्यों हो गया है बारे तो ओवर द ओवर द टाइम अच्छे खासे आम जिंदगी में भी यही है